ओम वंदे गौमात्रा। मित्रों आप सभी को दिवाली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली का पर्व आरंभ होने जा रहा है और ये पर्व करीब 5 दिन चलता है। तो हम जिसका आरंभ हो चुका है उसके दिन से ही आपको बधाई दे देते हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं कि दिवाली के पर्व पर हम एक गलती क्या करते हैं। दिवाली के पर्व पर हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोगों को भेंट देते हैं। अब भेंट दो प्रकार से दी जाती हैं, या तो एक भेंट वो होती है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि सबको ये मिलना चाहिए, सबको इसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सबको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, एक तरीके की भेंट ये होती है। और दूसरे तरीके की भेंट वो होती है जो हमारे घर का कचरा है, अर्थात हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमारे पास कहीं से आया था, हम भी कहीं भेज देते हैं। मित्रों दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इनमें आपकी भावनाएं हैं। एक में आपकी भावना सही है लेककिन सामने वालों से कैसे स्वीकार करेगा ये आप नहीं जानते हैं, पर दूसरे में आपकी भावना बहुत कलुषित है और वो जो कलुषित भावना है उस कलुषित भावना के साथ जब आपका जो गिफ्ट है, आपका जो उपहार है वो किसी के पास जाता है तो उसकी भावनाएं भी वैसी ही कलुषित होती हैं। अर्थात ये कहीं से भी आपके लिए और आपके जो परिचित हैं उनके लिए शुभ नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी भेंट किसी को ना दें जो आपको खुद को अच्छी ना लगती हो। बस आपको किसी ने दे दी है इसलिए किसी को दे देना है, कृपया ये भूल है। क्योंकि हमें किसी ने दी है मतलब हमें उसको आगे बढ़ा देना, मतलब हम गलतियों को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन की गलतियां आगे बढ़ें या आप गलतियां करते रहें? आप नहीं चाहते ऐसा। इसलिए यदि आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है या तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी करिए, पर किसी और को वो गलती आगे मत बढ़ा के दीजिए। ये तो एक तरीके का हो गया। अब हम आपको दूसरे तरीके के गिफ्ट बताते हैं, भेंट बताते हैं। होता क्या है, ये गलती मैंने की थी, आज से करीब 5-6 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैंने कभी किसी को गिफ्ट आदि नहीं दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि लोगों को अहमियत समझ में नहीं आती किसी चीज़ की। तो उस समय मैं करीब 7-8 साल पुरानी बात है, उस समय मेरे हाथ में कुछ राजीव भाई की एक सीढ़ी आई थी स्वदेशी चिकित्सा नाम से। वो सीढ़ी बड़ी अच्छी लगी मुझे ऐसा लगा कि यदि ये भारत के लोग सुनेंगे तो इससे स्वस्थ हो पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको सुधारनी है, यदि सुधार लेते हैं तो स्वस्थ होना उनके लिए एक सामान्य विषय बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने करीब 50 सीढ़ी बांटी थी। मुझे सीढ़ी बहुत महंगी नहीं पड़ती थी, 20 रुपये के आसपास पड़ती थी, क्योंकि मुझे उस समय वर्धा से मंगवानी पड़ती थी तो डाक खर्च अतिरिक्त लग जाता था, तो उसमें करीब इतनी की पड़ जाती थी, पर उनकी MRP कुछ 12 या 15 रुपये होती थी। अब हुआ क्या मेरे साथ में कि मैंने ये सीढ़ियाँ जो बांटी, तो आपको सच्चाई बता रही हूँ, मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि लोगों को नहीं समझना है। हुआ क्या, वो सीढ़ियाँ घूम फिर के 2 सीढ़ियाँ मेरे पास वापस आ गईं, और मुझे इसलिए पता चला कि वही सीढ़ियाँ हैं क्योंकि मैंने अंदर एक ऐसी जगह एक मार्क किया था, एक निशान किया था। यदि मेरी सीढ़ी मेरे पास वापस आए तो मुझे पता चले, तो मेरे पास 50 में से 2 सीढ़ियाँ वापस आ गईं। मित्रों इस मेरे पास वापस आई सीढ़ी ने मुझे एक बात बताई कि आप दुनिया को कितनी भी अच्छी चीज़ बांटिए, कितनी भी अच्छी चीज़ बांटिए, पर जब तक उनके नसीब में नहीं, उनके भाग्य में नहीं है, उनको नहीं मिलने वाले। क्योंकि हमने देखा है, एक कहावत कही जाती है कि यदि सुअर होता है ना उसको आप स्वर्ग में ले जाओ तो भी वो वही नाली ढूंढता है, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं है, उसको हजम नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ आपके हिसाब से बहुत अच्छा है वो, लेकिन सामने वाले को वैसा लगना चाहिए, उसकी वो चीज़ फालतू है, आपकी किसी काम की नहीं है, तो किसी और को पकड़ाते जाएंगे। और ऐसे में जब आप पकड़ाते ही जाते हैं तो कहीं ना कहीं से चीज़ें घूम फिर के आपके पास आती हैं। और आप नोटिस कर लीजिए, यदि आपके परिचित कुछ लोग हैं और आप कुछ ऐसी चीज़ बांटते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के द्वारा वो चीज़ आपके पास घूम के आ जाएगी। इसलिए ऐसा काम मत करिए, क्योंकि इससे आपके भेंट देने का कोई लाभ नहीं है। और हाँ, कोई आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ देना है, तो उसको बता के दीजिए। लेकिन हाँ, तब भी एक बात का ध्यान रखिए कि सामने वाला आपके सामने मना नहीं करेगा। जैसे मैंने जिसको सीढ़ी दी सबको बोला आप सुनेंगे ना, हाँ हम सुनेंगे, लेकिन नहीं सुनी गई। अब 2 तो मेरे पास वापस आ गई इसलिए मुझे पता चला, और कितने किसने किसको बांटी या किसने किसको दे दी नहीं पता। तो ये बातें ऐसे होती हैं मित्रों। इसलिए भेंट देना यदि देना चाहते हैं
कुछ देना चाहते हैं तो उन लोगों को दीजिए जिनको इस भेंट की आवश्यकता है। आप उनको मत दीजिए जिनको भेंट की आवश्यकता ही नहीं, जो खुद से कुछ ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ, यदि आपके घर में कुछ ऐसी भेंट आ गई है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों के पास पहुँचा दिए जो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम इस्तेमाल कर लें आवश्यक तो नहीं होता। हाँ, जिनके पास वो नहीं है उनको उसकी आवश्यकता है उनको भी तो दी जा सकती है। तो ज़रा सा मेरी इस बात पर विचार करिएगा, क्योंकि यदि आप विचार करते हैं, आप थिंकिंग करते हैं, आप सोचते हैं, तो आप वैसी क्रिया करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत छोटा सा विचार हमने आपको दिया है, यदि आप पालन करेंगे तो हो सकता है कहीं जहाँ कुछ चीज़ें नहीं हैं वहाँ वो चीज़ें पहुँच सकती हैं। और साथ ही आप फालतू के बोझ से, फालतू के टेंशन से, अरे अब आ गया तो कहाँ इसको निकालें, बच जाएंगे। क्योंकि जब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती तो हम सोचते हैं कि कहीं निकाल दें इसको, बच जाएंगे। आप ध्यान दीजिए इस विषय पर। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो विवरण में हमने स्वास्थ्य रक्षा पेज की लिंक दी है और साथ ही इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है। आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो अपने प्रश्न दे सकते हैं, आप अपना कोई विषय जानना चाहें वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।